दोस्तों, आज हम बात करने वाले झारखंड बेरोजगारी भत्ता योजना के बारे में। तो झारखंड बेरोजगारी भत्ता योजना का जो यहाँ पे एक नया रूप दिया गया है, जिसे मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के नाम से भी यहाँ पे जाने जाते हैं। तो ये फिलहाल जो है मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना स्टार्ट हो गई है झारखंड के लोगों के लिए, और यहाँ पे जो है 5,000 रुपये से लेकर के 7,000 रुपये के बीच में यहाँ पे बेरोजगारों को प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। तो ऐसे में इसे आपको ऑफलाइन तरीके से यहाँ पे अप्लाई करने के लिए जो प्रोसेस है, उसे मैं आज यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो बने रहे मेरे साथ वीडियो में। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको PDF फाइल का लिंक दूंगा, जिसमें इसके नियम और शर्तें बताए गए हैं। पहले उसे आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेने हैं, उसके बाद यहाँ पे आपको आवेदन कर देना है। तो एक PDF फाइल फॉर्म भी यहाँ पे मैं आपको दूंगा, जो कि ये फॉर्म मैंने यहाँ पे दिखा दिया है आपको। ये फॉर्म आपको प्रिंट आउट निकलवाना है, उसके बाद इसके सारे चीज़ें इसमें भरने के बाद आपको अपने न्यायालय में, अपने समाज कल्याण विभाग ऑफिस में जमा करना है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें, ताकि हर एक योजना से जुड़ी वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे फॉर्म दिखा देता हूँ, जिसे फॉर्म को आपको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवाना है। तो फॉर्म यही है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत सहायता राशि प्रदान करनी हो तो आवेदन पत्र, तो यहाँ देख सकते हैं आपका एक पासपोर्ट साइज का फोटो रहेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, आपका नाम हिंदी में आवेदिका या फिर आवेदक का नाम रहेगा, पिता पति का नाम रहेगा, माता का नाम रहेगा, जन्म तिथि यहाँ पे आपकी रहेगी। नियोजनालय में निबंध की तिथि को न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 35 वर्ष। अनुसूचित जाति एवं जनजाति को उम्र सीमा में नियमानुसार छूट दे होगी। यहाँ देख सकते हैं, नोट करके दिया गया है, आपकी उम्र यहाँ पे 18 वर्ष से ऊपर 35 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए यहाँ पे उम्र सीमा में भी छूट प्रदान की गई है। और लिंग में जो है, आपको अपना पुरुष है या महिला है, यहाँ उसे लिखेंगी, कोटी लिखेंगी, और तो विशेष कोड में आप यहाँ ध्यान देंगे, अगर इनमें से आप विधवा हैं या फिर प्रत्यक्ता हैं, आदिम है, जनजाति, दिव्यांग हैं, तो यहाँ पे आप हाँ और नहीं का जवाब देंगे। अगर हैं तो उसका भी आपको यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, उसका इसके साथ ही संलग्न करना पड़ेगा उसका भी प्रमाण। तो यहाँ देखेंगे, नियोजनालय का नाम, निबंध संख्या एवं निबंधन की तिथि आपको यहाँ पे डालनी होगी। अस्थायी पता आपको यहाँ पे अपना डालना होगा पूरा, और अपना वर्तमान पता भी यहाँ पे, अपने पिन कोड यानी कि एरिए के पोस्ट ऑफिस के पिन कोड के सहित यहाँ पे आपको पूरा फुल एड्रेस यहाँ पे लिखना है। निवास की बात करें तो यहाँ पे आपको एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना होगा, उसके लिए भी यहाँ पे आपको पूरी जो है अपना एक मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आधार संख्या यहाँ पे देखिए आपको डालना है। आधार लिंक बैंक खाता संख्या भी डालना है, जो आप आधार नंबर देंगे वही आधार से लिंक बैंक खाता को भी आपको यहाँ पर लिखना है। बैंक का नाम लिखना है, IFSC कोड डालना है, शैक्षिक योग्यता का विवरण यहाँ पर जो भरना है, यानी कि आपने कितनी पढ़ाई कर रखी है, आपकी आखिरी शिक्षा क्या थी। तो उसके बाद दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं कि तकनीकी योग्यता में आप यहाँ पे राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित कौशल प्रशिक्षण के तहत अल्पकालीन प्रशिक्षण सरकारी IDI, सरकारी पॉलिटेक्निक एवं अन्य सरकारी व्यावसायिक पाठ्यक्रम जो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क एलिजेड हो, उसे उत्तरी एवं सरकार के द्वारा स्थापित मानकों द्वारा सफलतापूर्वक प्रमाणित होना चाहिए। प्रमाण पत्र उसका भी आपको यहाँ पे संलग्न करना पड़ेगा, यानी कि आपने अगर कोई ITI डिप्लोमा वगैरह कर रखी है तो उसका भी यहाँ पे आपको प्रमाण इसके साथ ही संलग्न करके आपको अपने न्यायालय में जमा करना होगा। साथ ही यहाँ पे एक शपथ पत्र आपसे यहाँ पे भरवाया जाएगा, जिसमें झारखंड राज्य के निवासी अधिवासी आप हैं, इसे आप स्वीकृत करेंगे, किसी रोजगार या स्वरोजगार से आप जुड़े नहीं हैं, ये भी आप यहाँ पे स्वीकृत करेंगे, किसी न्यायालय से किसी अपराध से सजा प्राप्त नहीं किया है आपने, ये भी आप यहाँ पे स्वीकृत करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे एक अपना नाम लिख देना है कि मैं फला नाम जो है प्रमाणित करता हूँ या करती हूँ। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे भी एक सिग्नेचर आपको अपना करना है। देन दोस्तों, आपके सारे डॉक्यूमेंट के साथ इसे आपके अपने न्यायालय में जमा करना होगा। उसके बाद वहाँ से सत्यापन किया जाएगा कि आपके सारे डॉक्यूमेंट जितने भी आपने दिए हैं सब सही है या नहीं। अगर सही होता है तो यहाँ पे आपको प्रोत्साहन राशि आपके डायरेक्ट खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी। बट दोस्तों, इसे अप्लाई करने से पूर्व मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, ऊपर ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जिसमें आपको ये पेज डाउनलोड करके इसे जो है आराम से ध्यानपूर्वक पढ़ लेनी है। तो यहाँ पे विशेष कर देखेंगे कि यहाँ पे किन्हें विशेष यहाँ पे लाभ मिलने वाला है। तो राज्य के तकनीकी रूप से प्रशिक्षित एवं प्रमाणित उम्मीदवार लघु अवधि एवं दीर्घ अवधि, जो कि किसी भी रोजगार या स्वरोजगार से नहीं जुड़े हों, उनको जो है सहायता के रूप में नियत राशि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2020-21 से नई योजना मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति के संबंध में
पूरी जानकारी यहाँ पे दी गई। राज्य सरकार राज्य में बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए पूर्ण रूप से संकल्पित एवं वचनबद्ध है। इसे दृष्टिगत रखते हुए शहरी एवं ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को जो किसी भी कौशल प्रशिक्षण या व्यावसायिक पाठ्यक्रम के तहत अल्पकालीन प्रशिक्षण जैसे कि ITI पॉलिटेक्निक एवं अन्य सरकारी व्यावसायिक पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण एवं राज्य के किसी भी नियोजनालय में निबंधित हों उनको जो है यहाँ पे एक वर्ष के लिए राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 से नई योजना मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत सहायता राशि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे विशेष प्रोत्साहन उन्हें जो ITI करके बैठे हैं, पॉलिटेक्निक करके बैठे हैं और कहीं पर भी उन्होंने थोड़ा सा अपना प्रशिक्षण प्राप्त कर उसे एजुकेटेड किए पर वो वहाँ पे ये सफल नहीं हो सके, ना ही अपना रोजगार स्वयं कर सके और ना ही कोई ऐसी नौकरी पा सके। तो ऐसे लोगों को यहाँ पे जो है 5,000 से 7,000 रुपये की उन्हें प्रोत्साहन राशि जो है इस मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत यहाँ पे दिया जाएगा। तो यहाँ योजना का उद्देश्य अगर आप देखेंगे तो राज्य के शहरी एवं ग्रामीण बेरोजगार युवाओं जो कि किसी भी कौशल प्रशिक्षण या व्यावसायिक पाठ्यक्रम के तहत अल्पकालीन प्रशिक्षण ITI पॉलिटेक्निक एवं अन्य सरकारी व्यावसायिक पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण एवं राज्य के किसी भी नियोजनालय में निबंधित हों उनको रोजगार से जुड़ने एवं सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से वर्तमान सरकार द्वारा सहायता राशि उपलब्ध कराना है। योग्यता में अगर यहाँ देखेंगे कि इस जो है राज्य को पाने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पर भी आपको बताया गया कि राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित कौशल प्रशिक्षण के तहत अल्पकालीन प्रशिक्षण सरकारी ITI सरकारी पॉलिटेक्निक एवं अन्य सरकारी व्यावसायिक पाठ्यक्रम जो कि नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फॉर्म वेवरवर्क से एलिग्राइन हो उत्तीर्ण हो सरकार के द्वारा स्थापित मानकों का सफलतापूर्वक प्रमाणित होना चाहिए। तो ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, उसके बाद ही आप यहाँ पे इसके लिए अप्लाई करें। तो सारी डिटेल इसमें इस वीडियो फाइल में दी गई हैं, एक एक करके आप इसे पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में इसका फॉर्मेट दिया गया है, उसे निकलवा करके कंप्यूटर से उसे भर करके सही प्रकार से आपको सारे डॉक्यूमेंट आपके जितने पास हैं वो सारे यहाँ पे संलग्न करके आपको अपने नियोजनालय में समाज कल्याण विभाग ऑफिस में जा करके इसे जमा कर देना है। तो यहाँ पे देखेंगे कि पूरी पात्रता भी यहाँ पे बताई गई है, आपको यहाँ पे पात्रता के अनुसार क्या क्या यहाँ पे दिया गया है कि आवेदक बेरोजगार होना चाहिए और आवेदक झारखंड के नियोजनालय में निबंधित होना चाहिए। योजना हेतु चिन्हित पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित अर्हतों के अनुरूप शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए। इस योजना का लाभ हेतु किसी प्रकार का दोहरीकरण ना हो। झारखंड राज्य के निवासी अधिवासों स्वयं का वैध बैंक खाता आधार कार्ड हो वह किसी ऐसे अपराध में अभियुक्त ना हो जिसकी वजह से 48 घंटे या इससे अधिक की कारावास की सजा उसे हुई हो। नियोजनालय में निबंध की तिथि को आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक और 35 वर्ष से कम होनी चाहिए। अनुसूचित जाति और जनजाति को यहाँ पे उम्र सीमा में जो है छूट दी गई है। प्रोत्साहन राशि जो है यहाँ पे देखेंगे उपयुक्त अर्हता अधिकारी आवेदकों के लिए 5,000 प्रति वर्ष एक वर्ष के लिए, विधवा प्रतिवक्ता आदिम जनजाति दिव्यांगों के लिए यहाँ पे राशि 15% अतिरिक्त होगी। लास्ट में यहीं पे जानेंगे दोस्तों कि यहाँ पे जांच कमेटी आपकी यहाँ पे बनेगी। पहले कोई भी आप यहाँ फॉर्म इसका जो फिलअप कर देंगे तो यहाँ पे आपके फॉर्म की पूरी जांच होगी। जांच में उपायुक्त, उप विकास आयुक्त, जिला नियोजन पदाधिकारी, जिला कौशल पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी इतने सदस्य जो है आपके फॉर्म को यहाँ पे चेकिंग करेंगे। उसके बाद प्रोत्साहन राशि का हस्तांतरण की प्रक्रिया आप यहाँ देखेंगे। योजना अंतर्गत प्रोत्साहन राशि जांच कमेटी द्वारा चयनित आवेदकों को उपलब्ध कराने हेतु सभी नियोजनालयों को उपलब्ध बजट प्रावधान के अंतर्गत आवश्यकता अनुसार राशि आवंटित की जाएगी। नियोजनालय के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी दायित्व होगा कि चयनित आवेदकों को अनुमान्य राशि भुगतान निम्नानुसार कोषागार के माध्यम से उनके बैंक खाता में समय पर हो जाए। तो यहाँ पे आप जो अप्लाई करेंगे आपके सारे फॉर्म की यहाँ पे डिटेल ली जाएगी, जानकारी निकाली जाएगी। सब सही पाए जाने पर यहाँ पे आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली जो पैसा अकाउंट में आपके भेजा जाएगा। तो सो दोस्तों यहाँ पे वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, यहाँ पे मैं विराम देना चाहूँगा और आपको ये वीडियो फाइल मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिस्ट में दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप इसे पूरा पढ़ लीजिएगा। लास्ट में यहाँ पे प्रिंट आउट दिया गया है फॉर्म का, इसे आप निकलवा लीजिएगा और यहाँ पे देखिए अपना सब बैंक अकाउंट नंबर वगैरह सही से भर के फिर आप इसे अपने ऑफिस में जमा करेंगे। तो ऐसा कर दोस्तों ऑफलाइन तरीके से ही इस तरीके से आप यहाँ पे इसके लिए आवेदन करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एवं शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ पहली बार चैनल पर विजिट कर सब्सक्राइब करके लाइक दबाएँ ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।